आज चैत्र शुक्ल एकादशी मंगलवार 12 अप्रैल 2022 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी के मंदिर मार्ग स्थित बाजार के दृश्य हैं, जहाँ मिट्टी के बर्तन बिकने के लिए रखे हुए हैं। इनमें से कुछ बर्तन गृह उपयोग के लिए हैं तो कुछ प्रभु सेवार्थ भी हैं। प्राकृतिक शीतलता प्रदान करने वाले यह मिट्टी के पात्र हैं। संदर्भ यह है कि अत्याधुनिक साधनों से भरे हुए हमारे घरों में आज भी प्रभु को इन्हीं बर्तनों में शीतल जल अरोगाया जाता है, और इन बर्तनों में ही भौतिक रूप से श्री यमुना जी विराजमान रहती हैं। संदर्भ यह है कि यदि पात्र उचित हो तो प्रभु सेवार्थ भी कार्य आता है। इसी भावना से प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर मंडल द्वारा एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसमें दिव्यांगजन, वृद्धजन, अशक्तजन आदि को प्रभु के दर्शन करवाने हेतु यह ट्राईसाइकल रखी गई है, जिसे हम व्हील चेयर के रूप में भी पहचानते हैं। उल्लेखनीय यह है कि यह व्यवस्था मंदिर मंडल द्वारा ऐसे सभी वैष्णवों के लिए निःशुल्क प्रदान की गई है। प्रभु श्री जी की नगरी में मंदिर मंडल की परिसंपत्तियों में जहाँ आप ठहरे हैं, वहाँ से अथवा अन्य किसी जगह से आपको प्रभु श्री जी के दर्शन करने जाना है और आपके साथ निशक्तजन या दिव्यांगजन हैं, तो उनकी सुविधा के लिए आप यह व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। व्हील चेयर के साथ इसके संचालन की सुविधा भी निःशुल्क है, अर्थात आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ से प्रभु श्री जी के मंदिर तक एवं प्रभु श्री जी के मंदिर से पुनः आपके गंतव्य स्थल तक सेवाकर्मी आपको व्हील चेयर पर पहुंचाएंगे। लगभग 20 व्हील चेयर्स के माध्यम से अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सेवा प्रारंभ की गई है। यदि आपके साथ इस प्रकार के निशक्तजन अथवा दिव्यांगजन हैं तो प्रभु श्री जी के मंदिर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही नगर के अनेक स्थलों पर शीतल जल की व्यवस्था भी की गई है। इस कारण से 40 डिग्री के तापमान वाली गर्मी में आपको राहत मिल सकती है। प्रभु के प्रसाद में भी शीतलता प्रदान करने वाली सामग्रियों की प्राधान्यता है, अतः उसका लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रीजी की सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रत्येक वर्ष की चैत्र शुक्ल
एकादशी से प्रभु को बाल भाव के श्रृंगार धराया जाना प्रारंभ होता है, क्योंकि आज से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के उत्सव की बधाई बैठती है और अगले 15 दिवस तक श्री महाप्रभु जी की एवं जन्माष्टमी की बधाइयाँ गाई जाती हैं और बधाई के यह कीर्तन उस भाव के गाए जाते हैं जैसे श्रृंगार होते हैं। इसके साथ एक और भावना भी है, आज से अर्थात श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई जब से बैठती है तब से आगामी 15 दिन तक गहरे हरे श्याम बादली नीले आदि रंगों के वस्त्र प्रभु को नहीं धराए जाते हैं। प्राकट्योत्सव से पूर्व बधाई बैठने की भावना यह है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ उसके पूर्व ब्रह्मा जी इंद्र शिव जी आदि सभी देवों द्वारा देवकी जी के गर्भ में विराजित प्रभु की स्तुति की गई थी, तब प्रभु का प्राकट्य हुआ था। इसी भावना से यह बधाई बैठती हैं। 15 दिन पहले बधाई बैठने की एक भावना यह भी है कि श्री महाप्रभु जी के लौकिक पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी को उनके द्वारा किए गए 100 सोम यज्ञों के फलस्वरूप प्रभु ने रामनवमी के दिन स्वप्न में माला बीड़ा देकर आज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे घर प्रकट होने वाला हूँ। इस भाव से भी यह बधाई 15 दिवस पूर्व बैठती है। प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में उत्सव की बधाई बैठने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल बांधी जाती है। 2 समय की आरती भी थाली में की जाती है। राजभोग में आज अन्न सखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। इसी भावना से प्रभु श्री जी की साज सज्जा में आज श्वेत रंग के आधार वस्त्र पर प्रभु को पलना झुलाते पूज्य गोस्वामी बालकों के चित्रांकन की एक सुंदर पिछवाई धराई जाती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं जिनके ऊपर सफेद बिछावट ही की जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़गा जी भी पधराए जाते हैं जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो लाल रंग की मलमल के आज वस्त्र धराए जाते हैं जिसमें सूथन घेरदार वागा एवं चोली के साथ कटी पटका भी धराया जाता है। यह सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। वहीं पीटिका पर ठाड़े वस्त्र आज प्रभु को हरे रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है जिसके तहत कंठहार बाजूबंद पोची हस्त सांखला कड़े मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो आज लाल रंग की गोल पाग धराई जाती है जिसके ऊपर सिरपेच लूम गोल जड़ाव की चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी हरे मीणा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया नूपुर व बिच्छियां भी मिलवा मोतियों के ही धराए जाते हैं। प्रभु के समक्ष पटलाल और गोटी चांदी की खेल के साज के तहत पधराई जाती हैं। आरसी प्रभु को आज उत्सववत दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में मंगला में आज ब्रज भयो महर के पूत राजभोग में धन्य जसोदा भाग्य तिहारो आरती में धर्म ही ते पायो यह धन शयन में जन्मत ही आनंद भयो पोढ़वे के पद में तुम पोड़ो हो सेज बनाऊं
कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग सहित अन्य सभी भोगों में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आये देव विमानन चढ़ चढ़, राग बिलावल ताल धमार। धर्म गीते पायो यगधा।
राख जसोदा मैया नीके राख जसोदा मैया नारायण ब्रज आयो यगधन
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।